हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे डेडपूल 3 से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। केविन फाइगी ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया जिसमें कि उन्होंने बताया कि डेडपूल 3 को बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो उन्होंने अभी हाल ही में कुछ स्टेटमेंट दिया जिससे कि जानकर आप हैरान होने वाले हो। उन्होंने बताया कि डेडपूल 3 को कम से कम ज्यादा नहीं तो 2024 में तो रिलीज करना है, पर इस मूवी के डायरेक्टर कन्फर्म हो चुके हैं, राइटर्स भी कन्फर्म हो चुके हैं, फिर भी टाइम इस चक्कर में लग रहा है क्योंकि केविन फाइगी चाहते हैं कि एमसीयू में ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। और जब तक कोई एमसीयू में मूवी का तीसरा पार्ट आता है, जैसे कि लाइक इन्फिनिटी वॉर हो गई, थॉर रैग्नारोक हो गई, उसके बाद सिविल वॉर हो गई, तो भाई उनका मतलब कहने का यही है कि जब भी ट्रिलॉजी आएगी तो वो बड़े लेवल की होनी चाहिए। कैप्टन अमेरिका को देख लो, सिविल वॉर आई थी तो कितने बड़े लेवल की थी, एवेंजर्स को देख लो, इन्फिनिटी वॉर आएगी तो कितने बड़े लेवल की थी, तो समझ रहे हो। तो ऐसा उनको कुछ करना है। अब आप कहोगे कि भाई एवेंजर्स एंड गेम भी तो बड़े लेवल की थी, नहीं, पर अगर बात करी जाए कि इन ट्रिलॉजी से, तो भाई एवेंजर्स एंड गेम, फिर कैन डायनेस्टी और फिर उसके बाद सीक्रेट वॉर, तो सीक्रेट वॉर उस हिसाब से बहुत बड़ी हुई अगर ट्रिलॉजी के हिसाब से देखी जाए। तो केविन फाइगी का कहने का मतलब ये है कि डेडपूल का तीसरा पार्ट जो आ रहा है उस मूवी को बड़ा लेवल का बनाना है, फनी वे में बनाना है और काफी अच्छी मूवी बननी चाहिए, लाइक इन्फिनिटी वॉर, रैग्नारोक और सिविल वॉर जैसी टाइप मूवी। तो अगर उनका ऐसा सोचना है तो सोचिए आप कि साल 2024 में जब हम डेडपूल को देखेंगे तो वो कितने बड़े लेवल की मूवी होने वाली है। यानी कि अब तक के जो दो पार्ट आए हैं और हमने देखे हैं वो कुछ भी नहीं था। एमसीयू का ये तीसरा पार्ट सबसे बेस्ट होने वाला है डेडपूल 3 का। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको ये अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।